हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ईद की शॉपिंग के अलावा सब्जी मंडियों में भी खूब भीड़ लग रही है। पटना की सब्जी मंडी हो या फिर दिल्ली की ओखला और आजादपुर सब्जी मंडी, लोग जमकर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के ओखला मंडी की है, पटना की सब्जी मंडी की, आजादपुर मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं खरीदारी के लिए। दिल्ली की ओखला मंडी में भी कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हो रहा है। देखिए दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी से इंडिया टीवी संवाददाता सैयद नजीर की रिपोर्ट। इस वक्त हम ओखला मंडी में हैं और आपको बता दें कि दिल्ली में केसेस में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त आप मंडी की तस्वीरें देख सकते हैं, मंडी में रोज की तरह हलचल वही है, लोग अपने अंदाज में काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो यहां पर व्यापारी हैं, बिल्कुल बेखौफ अंदाज में आपको काम करते नजर आएंगे। ज्यादातर लोगों के यहाँ पर आपको मास्क नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है, किसी तरह का पालन नहीं किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। अरे मंडी में कोरोना गायब हो गया भाई, नहीं हो रहा कोरोना यहाँ किसी को भी। मंडी में कोरोना होता तो मंडी बंद कर दी जाती बड़े भैया, यहाँ तो नाम कोरोना का बदनाम हो रहा मंडी में। सब काम सही हो रहा है, मास्क लगा के हो रहा था और कुछ नहीं है, बस सही है। सब्जी लेके जाते हैं, पूरा डिस्टेंसिंग हो रहा है, पूरा मास्क लग रहा है। मंडी में माल आना बंद हो जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा, क्यों ग्राहक चिपटता है एकदम, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रहता। मैं तो नूं कहूं मंडी बंद कर दे, इससे तो ये मंडी बंद कर दे जी, इससे तो वो बढ़िया जी, लोगों पर डंडे बजता है रात दिन। हाँ डिस्टेंसिंग रखते हैं, दूरी बना के रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, मगर चलो हम हर काम करते हैं बचा के, फिर हमारा माल तो बेचन दो, फिर माल क्यों ले आते हैं उठा के। यहाँ पर लगातार डीएम ऑफिस की तरफ से यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना के नियम का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ राजन लम्ब हैं जो कि डीएम ऑफिस की तरफ से यहाँ पर मंडी में काम कर रहे हैं और मंडी के लोगों को समझा रहे हैं किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सर आप ये बताएं, यहाँ पर मंडी का कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी, ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, आप यहाँ काम में लगे हैं, क्या समझाते हैं लोगों को, फिर भी लोग नहीं समझ रहे? सर हम सबसे पहले लोगों को यही बताते हैं कि ये जो बीमारी है बड़ी हानिकारक है, आपके साथ आपके परिवार को भी परेशान कर सकती है और घर में डेथ भी हो सकती है। तो हम उनको यही बोलते हैं कि जब आप वर्किंग करो पहले तो अपने मास्क को कवर करके और थोड़ी सी दूरी बनाकर आप बात कीजिए। जाहिर सी बात है यहाँ काफी भीड़ है और जो सब्जियां यहाँ से निकलती है उसके लिए भी एहतियात बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ सैयद नजीर, इंडिया टीवी दिल्ली। जो हाल दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी का है, वही आलम दिल्ली के सबसे बड़ी आजादपुर फल मंडी का भी है। एसेंशियल सर्विस की वजह से आजादपुर मंडी 24 घंटे खुली रहती है, जिसकी वजह से यहाँ सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ती है। हाय, I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।